रविवार को छोटी दरगाह में रोजा अफ्तार में शामिल होंगे उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल, तो वहीं बुधवार को पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह कराएंगे रोजा अफ्तार। रीवा की सरजमी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती है। बीहर बिछिया के किनारे महामृत्युंजय की नगरी में सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर सभी धर्मों को आदर भाव से देखते हुए एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा की गंगा जमुनी तहजीब की। हम आपको बता दें, छोटी दरगाह रीवा में रमज़ान के 300 दिन कोई ना कोई रोज़ा अफ्तार कराता है। इसी कड़ी में रविवार 10 जून को भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू के रोज़ा अफ्तार में प्रदेश के उद्योग एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित सांसद महापौर शामिल होंगे। वहीं बुधवार 13 जून को लगातार 29 सालों से रोज़ा अफ्तार करा रहे पूर्व गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की तरफ से रोज़ा अफ्तार कराया जाएगा। रीवा शहर के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार करेंगे। इसीलिए कहते हैं, रीवा शहर के लोग धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। रोज़ा अफ्तार शाम 6:58 पर होगा। नमाज शाम 7 बजे अदा की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे राजेंद्र शुक्ला, मंत्री मंत्री शासन, शहर के प्रथम नागरी आदरणीय ममता गुप्ता जी, विद्या जिलाध्यक्ष विद्या श्रीवास्तव जी, संसद रीवा रहेंगे और अधिकारीगण रहेंगे। और हम सभी से अपील करते हैं, हिंदू मुसलमान से ज़्यादा लोग वहाँ पधारे और जाता में शामिल हो। टाइम रहेगा 6:58, इससे आधा घंटा पहले आए। एक अपील हमारी है, तो सबसे आधा घंटा पहले आए और अपना स्थान लेकर बैठे और रोजा अफ्तार करें। खाना प्रोग्राम आला रखा गया है, आप सभी लोग का खाना का इंतजाम किया गया है। रोजा अफ्तार के बाद नमाज होगी, इसके बाद खाना का इंतजाम सभी को दिया जाएगा। सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग, हिंदुओं का मुसलमान सब लोगों को।